स्वागत है आपका जुमाक्सा क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पार्ट 7। देखिए, आज हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पार्ट जो होगा वो आखिरी होगा। इसमें हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज वेल एज इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 का था, फाइनली आज हम लोग देश को आज़ाद करा देंगे। ठीक है, जो ये पूरी सीरीज़ रही कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, पार्ट 7 में हम लोगों ने कम्प्लीट की। और मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी मेंस या यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से आएगा, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा, बशर्ते आप लोग कुछ एमसीक्यूज अगर सॉल्व कर लेंगे खुद से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमको, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। ओके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने से पहले साइमन कमीशन आता है। अब साइमन कमीशन का काम क्या था? साइमन कमीशन का काम ये था कि ये जो मॉन्टेग्यू चेम्फोर्ड रिफॉर्म आया था ना, जो मॉन्टेग्यू चेम्फोर्ड रिफॉर्म 1919 का, तो जो 1919 का जो एक्ट आया था, इसकी वर्किंग को देखने के लिए कि हम इसकी जो वर्किंग है उसको रिव्यू करेंगे, जो भी चलेगा 1919 से लेकर के। तो ये बात यहीं पे बोल दी गई थी 1919 में, ये बात बोल दी गई थी कि हम 10 साल बाद जो है एक कमीशन बैठाएंगे जो 1919 के एक्ट को रिव्यू करेगा। तो उसके एवज में आता है साइमन कमीशन। अब आप लोग बोलेंगे भाई 1927 में क्यों आया, क्यों ये बना दिया गया था 1927 में, क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट भी भाई बनाने में टाइम लगता है ना, रिव्यू करने में टाइम लगेगा कि 10 साल की क्या वर्किंग रही, 8 साल की है, किस तरीके से गुजारे, क्या क्या। देखिए, जितने भी एक्ट रहे हैं ना, ये एक तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो सरकार जो है यहाँ पर EIC के ऊपर लागू करती थी और यहाँ के लोगों ऊपर लागू करती थी। एक तरीके का संविधान एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट की तरह हुआ करता था, आज के संविधान की तरह नहीं, जिसमें हमारा भारतीय संविधान है उसकी तो हम लोग जो है इसके साथ उसकी उसका जो कंपटीशन नहीं कर सकते। लेकिन यही पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि इसी का जो है 1919 का ही जो रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन आया था। 7 मेंबर की कमेटी थी, सारे के सारे इस कमीशन में जो लोग थे वो ब्रिटिशर से एक भी इंडियन नहीं था। इसी बात पे भारतीय भड़क जाते हैं, वो बोलते हैं कि भारत के संविधान या भारत के कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट को आप रिव्यू करने आए हैं, जो भारत के ऊपर जो कानून लागू है उसको आप रिव्यू करने आए हैं, और उसमें एक भी भारतीय नहीं। ठीक है, इसी में लाला लाजपत राय जी की जो है लाठी मार मार के उनकी जो है एक तरीके से जो है उनकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि इतना उनको लाठियों से मारा गया था कि उसकी वजह से उनकी जान चली गई थी। तो इस वजह से ही जो है भगत सिंह, जो सर भगत सिंह थे, उन्होंने एक अलग सी उनके अंदर एक ज्वाला जो है भड़क गई थी। तो इस वजह से आपका जो कहा यूँ जाता है कि मतलब नॉर्मली भगत सिंह के अंदर यहीं से नेशनलिज्म की भावना आई थी, और वो जो भी उन्होंने किया आगे चल करके वो यहीं से उन्होंने अपनी प्रेरणा ली थी। ठीक है, तो साइमन कमीशन ने क्या किया? साइमन कमीशन का पर्पस था कि कंडीशन को देखे इंडिया की और नया संविधान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 है उसको रिव्यू करे। तो सारे इंडियंस ने इसको बॉयकॉट कर दिया। अब इसकी रिकमेंडेशन समझिए आप, अबॉलिशन ऑफ डायरकी को अबॉलिश करने के लिए बोला, सेपरेट जो इलेक्ट्रोड्स की बात हुई थी ना उसको एक्सटेंशन करने के लिए बोला कि आप इसको बढ़ा दीजिए, जो एक्सटेंशन है इसको आप एक्सटेंशन कर दीजिए इलेक्ट्रोड्स को, और इलेक्शन एलिमेंट्स को बढ़ाइए। भाई कहने का मतलब क्या था, इलेक्ट्रेट का मतलब क्या होता है, इलेक्शन, इसका मतलब ये हुआ ना कि इलेक्शन का जो एलिमेंट है उसको आप बढ़ाइए। लेकिन इंडिया ने ओवरऑल इसको रिजेक्ट कर दिया था हर तरीके से। ठीक है, तो ये एक मैंने अच्छी सी फोटो लगाई है यहाँ पर, ये वहीं से फ़ोटो मिली है। ठीक है, इसको आप देखिए ताकि आपको याद रहे। ओके, चलिए, तो ये मैंने एक अच्छा सा वो बना दिया है आपके लिए पिक्टोग्राफिक फॉर्म में कि माउंटफोर्ड रिफॉर्म आता 1917 में, और माउंटफोर्ड रिपोर्ट 1918 में आती है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और डायरेक्टली इंट्रोड्यूस होती है प्रोविंसेस के अंदर। ठीक है, मुद्दीमन कमेटी 1924 के अंदर आती है। तो इस कमेटी ने क्या बोला था, मुद्दीमन कमेटी जो थी 1924 की, जो प्रॉब्लम थी उस वक्त डायरेक्टली की उसको देखना, और 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको देखना। इसमें चार इंडियंस थे, जिसमें जिन्ना भी थे, सप्रू थे और दो अलग लोग थे। ठीक है, तो साइमन कमीशन के पहले ये कमेटी बना दी गई थी 1924 के अंदर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज़ आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो साइमन कमीशन जो कि रिजेक्ट कर दिया इंडियंस ने, और नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में पेश होती है उसको रिजेक्ट कर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है 1930 में, आपका जो है ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थे जो 1930 और 1931 और 1932, 3 साल तक ये चलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से लोग गए थे, एक तो RTC के अंदर वो लोग थे, जस्ट अ मिनट, जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे।
नंबर एक पे वो थे, दूसरे ब्रिटिश इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे, तीसरे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसेसली स्टेट, जो प्रिंसेसली स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इंडिया तब एक फेडरेशन नहीं था, इसी में वो बात बोली गई 1935 के एक्ट में बोली गई कि हम इंडिया को एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। ठीक है, अभी क्या था इंडिया? अभी था इंडिया इस तरीके से कि ये इंडिया है, इसमें कुछ पार्ट के ऊपर यहाँ पे मान लीजिए ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखी है, और अलग ये मान लीजिए प्रिंसेसली स्टेट्स हैं अलग अलग। ठीक है, तो इन पे इनका दबाव था लेकिन इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं था इसमें। दबाव तो था क्योंकि धीरे धीरे चाहे आपका जो सब्सिडियरी अलायंस था उसके थ्रू भी काफ़ी इंडियंस जो प्रिंसेसली स्टेट थे उसको अपने अंडर कर लिया, चाहे अवध हो, चाहे आपका और जो अलग अलग जो प्रोविंसेस थे जो प्रिंसेसली स्टेट्स थे उनको कवर अप कर लिया था। ठीक है ना, तो आरटीसी में महात्मा गांधी भी जाते हैं, महात्मा गांधी भी बोलते हैं कि भाई अपनी जो यहाँ के देश के मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं। लेकिन ऐसे कौन से बंदे थे जिन्होंने तीनों आरटीसी के अंदर पार्ट लिया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसा पार्ट लिया था? आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, पहले तो थे बी आर अम्बेडकर और दूसरी थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, इन लोगों ने दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है पार्ट लिया था, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने पार्ट लिया था 1930, 31 और 32। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके साथ साथ अब जो डिप्रेस्ड क्लास वाला मामला था और जो एससीज वाला मामला था वो भी यहाँ निकल के आ रहा था। क्यों? क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी गए हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहां पर ये बात बोलते हैं, जब बी आर अम्बेडकर ये बात बोलते हैं कि भारत में आज भी कुछ जगह पे ऐसा देखा जाता है कि जब कोई एससी या एसटी कोई चलता है तो उसके पीछे जो पेड़ होता है ना उसकी एक डाली बांध दी जाती है, उसमें पत्ते लगे होते हैं ताकि उनके पैर के जो निशान हैं वो ज़मीन पर ना पड़ जाएं। आप उनका लेक्चर देखिएगा, उनका यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा बी आर अम्बेडकर का लेक्चर, प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिएगा। तो ये बात सुन के जो ब्रिटिशर्स थे वो तो एकदम से उनकी तो हालत ख़राब हो गई। ठीक है ना, लेकिन जब इसके बाद जब पूना पैक्ट साइन होता है तो पूना पैक्ट साइन होने के बावजूद भी जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग जो है डिप्रेस क्लास के लिए कॉम्युनल जो इलेक्टोरेट्स था ना वो एससी वुमेन और लेबर को दे ही देते हैं। इतनी ज़्यादा मतलब सुन करके वो हैरान रह गए थे कि ऐसा भी इंडिया के अंदर होता है। इनफैक्ट आज भी भारत में कुछ जगह पर ऐसा देखने को मिलता है। अभी रिसेंट में 6-7 दिन पहले जब आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा देश मना जो है सेलिब्रेट कर रहा था, तब देखने को मिला था कि एक बच्चे ने टीचर के पॉट से पानी पी लिया था और वो बच्चा जो था ना वो एससी था, तो उसको मारते मारते मतलब उसकी जान चली गई, उस बच्चे की जान चली गई। तो आप काफ़ी ट्रोल भी हुआ मीडिया और न्यूज़ में, काफ़ी उसको दिखाया गया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जहाँ भारत को 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए और आज भी भारत की ये तस्वीर है जो आज से आप समझ लीजिए आपकी 1931 में जो तस्वीर देखने को मिली थी वही तस्वीर यहाँ पे अभी देखने को मिली। ठीक है, तो बड़ी बात तो है, समझना तो पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो जो प्रपोजल दिए साइमन कमीशन ने इंडियन से तो उसको टोटली कर दिया रिजेक्ट। ठीक है, टोटली क्या क्या कर दिया उसको, रिजेक्ट कर दिया। अब बात आती है पूना पैक्ट की। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने अनशन रख लिया था। महात्मा गांधी हैदराबाद जेल में थे उस वक्त, उन्होंने बोला कि भाई ये तो गलत बात है कि आप जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग रहे हैं। और सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस जैसे मान लीजिए कि एससी को दे दिया तो एससी का कैंडिडेट ही खड़ा होगा और उसी को वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन इन्होंने पूना पैक्ट साइन किया, उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन देंगे आपको हम। ठीक है, रिजर्वेशन देंगे, खड़ा उसी जो है रिजर्व सीट का बंदा होगा, जैसे मान लीजिए एससी की सीट रिजर्व है तो एससी का बंदा होगा लेकिन वोट देने का अधिकार सबको होगा। ठीक है, एससी डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत होती है। लेकिन बी आर अम्बेडकर जो भाषण था ना इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर, वो चीज़ इतनी ज़्यादा उनके दिमाग में सट गई थी जो ब्रिटिशर्स थे कि उन्होंने कम्युनल जो इलेक्टोरेट्स था वो दे दिया था 1935 में एससी वुमेन और लेबरर्स को। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो ये आया आपका कम्युनल अवार्ड, जस्ट अ मिनट, कम्युनल अवार्ड 1932, पूना पैक्ट साइन होता है 1932 के अंदर, वाइट पेपर रिलीज होता है। वाइट पेपर क्या था? प्रपोजल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ जाता है, जिसको बोलते हैं कि ये एक कार्बन कॉपी है भारत के प्रेजेंट संविधान की, कार्बन कॉपी है। ओके, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, एबॉलिशन कर दिया प्रोविंशियल में डायरकी को और
डायरकी को इंट्रोड्यूस किया सेंटर पे। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि डायरकी को प्रोविंशियल में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, किस एक्ट के थ्रू, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात बोली गई लेकिन ये सपना रह गया, ठीक है, ये था ख्वाब, जस्ट अ मिनट, ये क्या था, ये था एक सपना, ये सपना था, सपना ही रह गया। साइज ऑफ लेजिस्लेचर को इंक्रीज कर दिया गया, फ्रेंचाइज को एक्सटेंड कर दिया गया, फ्रेंचाइज को किस किस को एक्सटेंड कर दिया गया, आपको पता है 10% वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे यहीं पर, और मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि वोटिंग के राइट्स किस तरीके से एक्सटेंड किए गए थे, या पिछले लेक्चर्स में जाएंगे आराम से देख लेंगे। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू अ थ्री लिस्ट, ठीक है, कौन कौन सी लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो आज जो आप भारतीय संविधान में देखते हैं कहाँ से निकल करके आया है, ये निकल के आया है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंक्रीज कर दिया गया, डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी 1935 में, इनफैक्ट हुआ भी था डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, लेकिन उतना जोर शोर पे नहीं हुआ था कि आपको एग्जैक्टली बोला जाए कि हाँ भाई डायरेक्ट इलेक्शन होने लगा था। और कम्युनल इलेक्टोरेट्स, भाई वो तो रहेगा, किसके किसको मिल और बढ़ा दिया गया, SC को, वुमेन को और लेबर्स को, ठीक है। सेपरेशन होता है इसी वक्त बर्मा का भारत से, अगर ये एक्ट नहीं होता तो भारत के अंदर आज भी बर्मा होता, क्योंकि मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया कि भारत ने जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बर्मा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत से पहले ही अलग कर दिया था, ओके। अगर वो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन अलग नहीं करते तो आज भी बर्मा जो है ना, म्यांमार, वो भारत का पार्ट आज भी होता, ओके, इतनी बड़ी टेरिटरी होती हमारी। लेकिन चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने तीन लिस्ट के अंदर डिवाइड किया, फेडरलिस्ट जिसके अंदर 59 सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट जिसके अंदर 54 सब्जेक्ट्स थे, कॉन्करेंट लिस्ट जिसके अंदर 36 सब्जेक्ट थे, बायक्रमलिज्म जो था 6 out of 11 प्रोविंसेस, 11 प्रोविंसेस में से 6 में बायक्रमलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ओके। बायक्रमलिज्म अच्छे से आपको बता चुका हूँ, आपको नहीं पता है तो पिछले लेक्चर्स में जाकर देखिए आप। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की जाती है 1935 में, किसकी रिकमेंडेशन पर, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि जो RBI है वो 1934 के RBI एक्ट के थ्रू बनी थी, ओके, और इसके पहले जो चेयरमैन थे, जो गवर्नर बोलते हैं, वो सी ऑसबॉर्न थे, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, प्लीज़ आप लोग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट के अंदर, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके अंदर सिर्फ इतना ही था और कुछ भी 1935 के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कहने को तो बहुत बड़ा एक एक्ट था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो संविधान आज आप देखते हैं ना, इसकी पूरी एक रूपरेखा इसमें आपको दिख जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो उतना ज़्यादा हम लोगों को नहीं जाना है, हम लोगों से भी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोगों को देख लेना है, ओके। चलिए अब 1947 का जो एक्ट था उस पे जाने से पहले आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों से भी अवगत करा देते हैं, जैसे कि अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर आता है 1940 के अंदर, ठीक है। कब आता है अगस्त ऑफर, 1940 में। यूरोप में चल रहा था वॉर और हिटलर ने ब्रिटिश पर कर दिया था अटैक, ठीक है, ब्रिटेन पर कर दिया था अटैक, तो इन लोगों को तो दिक्कत हो ही रही थी। अब ये लोग, उस वक्त जो वायसराय वो कौन थे, लेलिंथगो। तो लेलिंथगो ने क्या किया कि भारत के बिना पूछे ही भारत को उसमें सम्मिलित कर लिया कि ये लोग भी इस वॉर में यहाँ पे जो है हमारा साथ दे रहे हैं ब्रिटेन का। तो जितनी भी कांग्रेस ने तो इस बात को मना ही कर दिया, कांग्रेस ने कहा नहीं नहीं ये तो गलत बात है, आपने मुझसे बिना पूछे ही, क्योंकि मैं एक लार्जेस्ट सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एक पार्टी वो ऐसी थी कि जो एक लार्जेस्ट सेक्शन को रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है ना। तो प्रोविंशियल जितनी वो गवर्नमेंट थी सब ने रिजाइन कर दिया, ओके, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कर दिया रिजाइन। उसके साथ साथ जब लेलिंथगो से बात की गई तो लेलिंथगो ने ये बोला कि भाई देखो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन जो कांग्रेस थी उसने क्या मांग की, ये बात अगस्त ऑफर की बता रहा हूँ मैं, उनकी दो मांग थी। कांग्रेस ने बोला कि पहला ऑफर तो ये है कि आप मुझे जैसे ही, हम आपका साथ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम आपका साथ दे देंगे, हम जितने भी जो भी मदद हो सकेगी हम लोग जो है उस मदद को करेंगे, लेकिन पहला पॉइंट ये रहेगा कि हमको आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस देंगे आफ्टर वॉर। दूसरे नंबर पर आप अभी हमारी इंतरिम गवर्नमेंट बनाइए, इंतरिम गवर्नमेंट अभी आप बना दीजिए रिसेंट में, ठीक है। तो और ये दोनों ही मांगें जो थीं वो ब्रिटिश इंडिया मानने वाली नहीं थी, ठीक है। तो ब्रिटेन ने ये बात मानी नहीं, ब्रिटेन ने कहा कि हम आपको देंगे क्या, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि एक छत्र राज रहेगा हमारा, आप नीचे अपनी गवर्नमेंट बना लीजिए, हम आपको ऑटोनॉमी दे देंगे फुल, ठीक है, लेकिन आज़ादी नहीं मिलेगी,
ऊपर जो सबसे जो सुप्रीम ताकत होगी वो कौन होगी, वो होगी ब्रिटिश। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात एक निकल करके यहाँ से आ रही थी। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन ये तो बिग फेल था ही भाई। भाई डोमिनियन स्टेटस की बात अभी कहाँ से हो जाएगी, जब डोमिनियन स्टेटस की बात हम लोगों ने की थी 1929 के अंदर, हमने तब बोला था कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए। तो अब हम डोमिनियन स्टेटस ले लेंगे क्या 1940 के अंदर? नहीं ले लेंगे ना। तो फिर तो डोमिनियन स्टेटस की बात खत्म होगी। अब आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ये बोलता है कि ठीक है हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 के अंदर आता है। हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, उसके साथ साथ जो भी ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश की कॉलोनी है वो भी अपना अलग से संविधान बना सकती है। भाई गजब हो गया, ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थे, मतलब हमारी इंडिपेंडेंस की तो बात छोड़िए ही आप, साथ साथ में ब्रिटिश जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो भी अपना संविधान बना सकते हैं। ये तो बिग फेल हो गया, एकदम से इसको बिग फेल की तरह देखा जाता है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है 1947 का एक्ट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के पास। ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, ब्रिटिश रूल यहाँ से एंड हो जाता है। आपको बता दूँ कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट थी ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट कहाँ पे थी, कब आई थी, 1858 के अंदर आई थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आई थी, लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट थी ना, वो पिट से इंडिया एक्ट के थ्रू आई थी। ओके, कब थी ये? BOC के अंदर हुआ करती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ना, उसका हेड कौन हुआ करता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, उसको क्या बोलते थे? और कौन होता था इसमें? और एक होता था एक्सचेकर। किसमें? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। और चार लोग कौन से होते थे? प्रिवी काउंसलर होते थे, जो रानी के दल के लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो ये छह लोग हुआ करते थे इसमें। तो पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू कौन आया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर इंडिया कौन आया? कब आया? 1858 में। ओके, और उसके साथ साथ ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जाता कब है? ये जाएगा जब ये एक्ट पारित होगा। ठीक है, इसमें लिखा है कि एबॉलिशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो जितने भी प्रिंसेसली स्टेट थे उनको एक ऑफर दिया गया कि भाई आप पाकिस्तान ज्वाइन कर लीजिए, या आप ज्वाइन कर लीजिए इंडिया, या आप चाहे तो इंडिपेंडेंट रह लीजिए। और ब्रिटिश रूल तो एंड हो ही गया था। भारत को इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था कब? 15 अगस्त 1947। आज कितने दिन हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए? कौन सा हम लोगों ने मनाया था अभी इंडिपेंडेंस डे? 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया था हम लोगों ने। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। पंजाब और बंगाल को पार्टीशन कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन बिकम अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को शपथ कौन दिलाता है? सी राजा गोपालाचारी। इसको इनको किसने अपॉइंट किया था? सी राजा गोपालाचारी को, ये भी आपको भी बताएंगे। टिल द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड रूल अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू तब तक देश को गवर्न किया जाएगा जब तक भारतीय अपना संविधान नहीं बना लेते। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे हो गई। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने कर लिए कवर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ तक था। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं। ठीक है, तो और कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अब कुछ लोगों का सवाल एक ये भी आ रहा होगा कि सर वायसरॉय जो था तो वायसरॉय का पद तो खत्म कर दिया गया था 1947 के थ्रू, लेकिन ये जो गवर्नर जनरल है इसका पद क्यों नहीं खत्म किया गया था? लेकिन देखो, वायसरॉय का मतलब ही होता है क्राउन रूल का रिप्रेजेंटेटिव। तो क्राउन रूल तो खत्म हो गया ना, तो जब क्राउन रूल खत्म हो गया तो इसका मतलब है साफ साफ कि वायसरॉय भी खत्म हो जाएगा। गवर्नर जनरल क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि अभी भारतीयों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नहीं, तो इस वजह से ये खत्म नहीं हुआ था। ठीक है ना, तो अब जब संविधान बनेगा, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो दो तरीके से काम करने लगी थी। पहला जब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरह काम करती थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और जब ये लोग पार्लियामेंट की तरह मिलते थे तब इनके अध्यक्ष कौन थे? जी वी मवलांकर। ठीक है, इनको बोला जाता है, तो पहले इनको जी वी मवलांकर को पहला अध्यक्ष बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, चलिए, तो ये था 1947 का इम्पोर्टेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ओके, चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट आर्काइव से निकाल के मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, कुछ दिखाना है आपको अच्छा, तो प्लीज़ आप इस पर अच्छे से नज़र डालिएगा क्या है ये। जस्ट अ मिनट। टू डोमिनियन आर बॉन्स, ये उसी दिन 15 अगस्त के न्यूज़पेपर की तस्वीर है। ठीक है, द स्टेट्समैन अखबार जो था दिल्ली के अंदर, ये प्रिंट हुआ था उसी दिन की पेपर की। ये कुछ कई कटिंग्स लाया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, हिंदुस्तान भी मिलेगा, दैनिक जागरण भी मिलेगा, सारे मिलेंगे। द
तो आप हल्के मत लेना ये जो जो भी न्यूज़पेपर आने वाले हैं आगे, पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम 1/5 ऑफ द ह्यूमन रेस, ठीक है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको एक बार, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बर्थ ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम, नेशन वेक अप्स टू न्यू लाइफ, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट ये भी न्यूज़पेपर है, स्टेट विजिट टू कराची, बर्थ ऑफ पाकिस्तान इन इवेंट ऑफ हिस्ट्री, ये डॉन द डॉन अखबार है ये, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एड्रेस किया था पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, ठीक है, क्योंकि दो डोमिनियन में भारत बढ़ गया था ना, कितने दो डोमिनियन में बस बढ़ गया था, एक तो पाकिस्तान था एक इंडिया था, जो तीन ऐसे एरियाज थे जिन्होंने ना तो भारत को ज्वाइन किया था ना ही पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, वो कौन कौन से थे, एक तो हैदराबाद था, एक जूनागढ़ था, एक जम्मू कश्मीर था, कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर, तो हैदराबाद को तो हम लोगों ने कर लिया था पुलिस एक्शन से, जूनागढ़ को किससे किया था, और 370 वाला जो मामला है ये जम्मू एंड कश्मीर वाला, ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा, अभी हटा दिया गया रिसेंटली ये, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि जूनागढ़ को कैसे किया था, और हैदराबाद को अगर किया था तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था, मैं आपको बता देता हूँ उसका नाम, चलिए आप ही लोग बताइएगा, ठीक है, उसका नाम आप ही लोग बताएंगे, ओके, तो ये द डॉन था, इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक ओवर, ये हिंदुस्तान टाइम्स है, हिंदुस्तान टाइम्स का है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, चलिए, शताब्दियों की दास्ता के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात, बापू की चिर तपस्या सफल हुई, भाई बापू कहाँ थे, बापू जब देश आजाद हुआ था ना तो बापू कहाँ थे, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बताने की कोशिश की थी, बापू जो कम्युनल राइट्स थे, जो कम्युनल राइट्स जिस तरीके से बढ़ रहे थे ना भारत के अंदर, तो कम्युनल राइट्स को दबाने के लिए कहाँ पर गए थे, वो वेस्ट बंगाल के अंदर थे, नागखोली दंगा के बारे में आपको पता ही होगा, नोआखाली जो दंगे थे, उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ था ना तो ये वाला जो मामला आ गया था कि भाई ये बाउंड्री हो गई, जस्ट अ मिनट मैं पेन बदल लेता हूँ, ये हो गई बाउंड्री, तो इस बाउंड्री के इधर है पाकिस्तान, ठीक है ना, इस बाउंड्री के इधर है हिंदुस्तान, तो अब कौन किधर रहा, कुछ लोग जो यहाँ पे थे वो इधर जाएंगे, जो लोग यहाँ पे थे वो इधर जाएंगे, तो इतनी भगदड़ हो गई थी, कम्युनल राइट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि वो भयावह तस्वीर मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ, मेरे पास उसकी भी फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, आप लोग देखिएगा उसको, बहुत ज़्यादा भयावह तस्वीर थी वो, उनको दबाने के लिए महात्मा गांधी जो थे वो दिल्ली के अंदर प्रेजेंट नहीं थे, वो वेस्ट बंगाल के अंदर गए हुए थे, ठीक है, तो बापू की जो चिर तपस्या थी वो सफल हुई थी, तो ये था अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर, तो इसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ा और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, आज हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो सीरीज थी वो खत्म होती, अब हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेंगे, अच्छे से एक एक करके अच्छे से तरीके से लेक्चर्स को समझेंगे, ठीक है, और इस सीरीज पूरी इस सीरीज को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आपको कोई भी नए सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने हर जगह से सोर्सेज को एकोमोलेट करके यहाँ पर रखा है, अपने नोट्स से भी रखा है और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना, तो चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग जो भी लोग देखते हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं सब्सक्राइब करिए, और लाइक भी क्या करिए और शेयर भी करा करिए, ठीक है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस भी पूछा करिए आप लोग, ठीक है, तो चलिए, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।